और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने इंटरनेट के जरिए देश विरोधी एजेंडा चलाने वाली 2 वेबसाइट और 20 यूट्यूब चैनल पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। नए आईटी नियमों के तहत यह कार्रवाई की गई है। आरोप है कि इनके जरिए पाकिस्तान भारत में झूठी खबरें और अफवाह फैलाता था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए यूट्यूब को लिखित रूप में आदेश जारी किया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विक्रांत का। विक्रांत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए रवि, इस मामले में सूचना प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने YouTube और दूरसंचार विभाग को बकायदा चिट्ठी लिखी है, जिसमें साफ ये कहा गया है कि नए आईटी नियमों के तहत इन जो वेबसाइट है और जो YouTube चैनल है, इनको तत्काल ब्लॉक किया जाए। ये कहा गया है, जांच में ये पाया गया है सूत्रों के मुताबिक कि पाकिस्तान की ISI की मदद से इन यूट्यूब चैनलों और वेबसाइटों पर भारत विरोधी प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा था। इनमें नया पाकिस्तान नाम का एक यूट्यूब चैनल शामिल है और उसकी रीच किस कदर थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 2 मिलियन से ज्यादा उसके सब्सक्राइबर थे। तो अधिकारियों का ये भी कहना है कि ये जो यूट्यूब चैनल और वेबसाइट है, ये चैनल कश्मीर, कृषि कानूनों के खिलाफ, किसानों के विरोध और अयोध्या जैसे मुद्दों पर देश विरोधी, भारत विरोधी प्रोपोगेंडा फैला रहे थे, जिस कारण इनके खिलाफ कार्रवाई तत्काल करने का निर्देश दिया गया है। शुक्रिया विक्रांत। पांच राज्य